अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जानदारों की ग्रुपबंदी का पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स कल के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल के टॉपिक में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डीपली डिस्कस किया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जमदारों को किस तरह जो है दो किंगडम में तकसीम किया गया और फिर वो दो कौन कौन से किंगडम थे, उन किंगडम को कौन सा नाम दिया गया और फिर किन बेसिस पर उन किंगडम में जमदारों को एक किंगडम में रखा गया और कुछ जमदारों को दूसरे किंगडम में रखा गया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने दो किंगडम जिनको डिस्कस किया था उनमें एक किंगडम पलाटी था और दूसरा किंगडम एनिमेरिया था। किंगडम पलाटी के अंदर हमने पढ़ा था कि उन जमदारों को रखा गया जो कि क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे, और किंगडम एनिमेरिया में उन जमदारों को रखा गया जो हेटरोट्रॉफ थे। उसके बाद हमने ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑटोट्रॉफ कौन से जानदार होते हैं, और उसके बाद हेटरोट्रॉफ की डेफिनेशन पढ़ी भी थी, लिखी भी थी कौन से जानदार हेटरोट्रॉफ होते हैं। उसके बाद हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स को डिस्कस किया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्ट क्यों हो गया। तो उस ड्रॉबैक्स के अंदर हमने यूकलिना लाइक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था कि यूकलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स की वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हमने पढ़ा था, उसमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने आर्स हैकल का नाम दिया था, कैसे तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा था। उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स में हमने पढ़ा था कि इसने प्रोक्योरटिक और यूप्रोक्योर्स और यूप्योर्स के बारे में कोई फर्क हासिल नहीं किया कि प्रोक्योर्स को किस किंगडम में रखा जाए या यूप्योर्स को किस किंगडम में रखा जाए। आज जिस किंगडम को आज हम जिस सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। के थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट करने के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। स्टूडेंट्स ई कैप्टन वो सेंसस था, वो बंदर था जिसने 1937 में 1937 में प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक की डाक सबसे पहले इस्तेमाल की थी। दर्जान प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सजेस्टेड बाय ई कैप्टन इन 1937। ई कैप्टन ने प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक की डाक 1937 में जब सजेस्ट की तो उसके बाद बायोलॉजिस्ट के जहन में आया कि प्रोक्रियोटिक और प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स को किस तरह एक दूसरे से अलग किंगडम के अंदर रखा जाए, क्योंकि पहले जो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद थे उसमें कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद थे जो एक ही किंगडम में थे जिसमें प्रोक्रियोट्स भी शामिल थे और यूक्रियोट्स भी शामिल थे। तो उसके बाद रॉबर्ट विटेकर वो पहला बंदा था जिसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो किस बेस पर इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की इंट्रोड्यूस कराया, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर पंजाब की बात करें, देश की बात करें, तो इसने दो बेसिस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारफ करवाया था। इन दो बेसिस में से सबसे पहली बेस जो थी, सबसे पहली बुनियाद जो थी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, कि जमदारों की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल की बनावट है उस बेस पर जो है जमदारों को क्लासिफाई किया जाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोक्रियोटिक जो यूकैरियोटिक आ जाते हैं, प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर, उसके बाद यूकैरियोटिक है तो फिर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इस बेस पर जमदारों को क्लासिफाई किया गया। उस पर दूसरी बेस जो थी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी, कि खुराक हासिल करने के तरीकेकार कैसे हैं। खुराक हासिल करने के तरीकेकार पर, खुराक हासिल करने के तरीकेकार पर भी जानदारों को क्लासिफाई किया गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद बनाया गया खुराक हासिल करने के तरीकेकार को। तो द सिस्टम बेस्ड ऑन सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो फाइव किंगडम से जिन पांच किंगडम से उनके नाम की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम आता है किंगडम मुनेरा का, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा था, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेरिया था। किंगडम मुनेरा क्या है, कौन से जानदार इसमें शामिल किए गए, इसकी खसूसियात क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, कौन से जानदार इसमें शामिल किए गए और इनकी खसूसियात, कौन कौन से खसूसियात रखने वाले जानदार इस किंगडम में शामिल किए गए, इसका हम अलग जो अलग अलग मजीद डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।
और नेक्स्ट स्टूडेंट जहां हमने फाइव टीमें क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिक्र किया जाएगा वहां दो सेंसेस यानी मार्कलेस और शॉर्टस का नाम जरूर दिया जाएगा। तो फाइव टीमें क्लासिफिकेशन सिस्टम के पस मंजर में इन दो सेंसेस का नाम क्यों लिया जाता है, इन्होंने कौन सा काम सर अंजाम दिया था, तो इनका बात की जाने जा कहता है मार्कलेस और शॉर्टस 1988 में मार्कलेस और शॉर्टस ने मॉडिफाई किया था फाइव टीमें क्लासिफिकेशन को। इस हार के से मतलब नहीं है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन दो से दान ने एक और किंगडम का इजाफा किया, लेकिन पहले से मौजूद उन ही पांच किंगडम की बेसिस में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मॉडिफिकेशन की। कौन सी मॉडिफिकेशन की? रॉबर्ट विटेकर ने दो बेसिस को ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद बनाया था, कौन-कौन सी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मार्ट ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने इन दो बेसिस के साथ-साथ तीसरी बेस को भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद बनाया, वो कौन सी थी? जेनेटिक को इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस के तौर पर पेश किया। यानी कि तो स्टूडेंट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर एक किंगडम की करैक्टरिस्टिक यानी हर एक किंगडम की खासियत, कौन कौन सी खासियत ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला किंगडम हमने किंगडम मुनैरा पढ़ा था, तो किंगडम मुनैरा में वो कहता है कौन से ऑर्गेनिज्म या किन खासियत वाले ऑर्गेनिज्म को किंगडम मुनैरा के अंदर रखा गया है। तो अगर इन तीन खासियत की तरफ आए तो सबसे पहली जो खासियत है, सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है किंगडम मुनैरा के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म की, किंगडम मुनैरा में तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और फिर दूसरी खासियत उसमें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम मुनैरा के अंदर, उसके बाद क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और मॉड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें किंगडम मुनैरा के अंदर मौजूद जानदारों की मॉड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो मॉड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी आप खुराक को तैयार नहीं कर सकते। तो कौन से जानदार किंगडम मुनैरा में शामिल होंगे? तो अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम मुनैरा के अंदर रख दिए गए। दूसरे किंगडम की खासियत की बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली जो खासियत है जो किस किस्म की खासियत रखने वाले जानदार इस किंगडम में शामिल किए गए हैं, तो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, यानी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसके साथ साथ कौन से ऑर्गेनिज्म? एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई का ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। एल्गी के आपने और मजीद खासियत है प्रोटोजोआ और फंजाई की खासियत आपने बुक में लिखी हुई है। नेक्स्ट अगर तीसरे किंगडम की बात करें, तीसरे किंगडम की खासियत की बात करें, करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो किंगडम फंजाई है तीसरा किंगडम। तो किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए हैं। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ साथ दूसरी जो करैक्टरिस्टिक लिखी गई है वो हेटरोट्रॉप्स है, यानी कि मॉड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रॉप्स का हेटरोट्रॉप्स है। और फिर औजाफ इन न्यूट्रिशन है, और अपनी खुराक को जो है औजाफ के करने के जरिए ही मॉड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उनकी क्या है? औजाफ है, और आप खुराक को तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद चौथा किंगडम है किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया है जिसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल है, और उसके साथ साथ ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब है कि किंगडम प्लांटी के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो क्या है? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसके साथ साथ ऑटोट्रॉप्स होने के साथ साथ उनकी मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात की जाए तो वो क्या है? फोटोसिंथेटिक है। इसमें कौन सा है? अगर एग्जांपल्स की बात की जाए किंगडम प्लांटी के अंदर तो मॉसेस, पाम और फ्लावरिंग प्लांट जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया की बात की जाए, किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से खासियत शामिल है? किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहली खासियत जो है वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर शामिल किए गए हैं, यानी कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर मौजूद जानदारों की पहली खासियत जो है किस खासियत वाले जानदार किंगडम एनिमेलिया में रखे जाएंगे तो वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर है। उसके बाद मॉड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये अपने खुराक को इंगेस्ट करते हैं, और उसके बाद इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनके सेल में सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल जो है वो लेयर होती है, लेयर का सेल वॉल होती है। और फिर इसके साथ साथ सबसे मेन खासियत जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर मौजूद जानदारों की है वो शो मूवमेंट मूवमेंट है, यानी कि ये मूवमेंट को शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमने
स्टूडेंट्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ाया कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने ऑर्गेनाइज कराया, प्लान प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक को सबसे पहले किसने सजेस्ट किया, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या थी, दो बेसिस हमने पढ़ी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद मॉड ऑफ न्यूट्रिशन थी, उसके बाद हमने कहा कि मार्गोरस और शवाटर्स का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पस मंजर में क्या किरदार है, तो हमने कहा था उन्होंने रॉबर्ट मिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन की थी, यानी कि जेनेटिक्स को भी इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद बनाया था। उसके बाद पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो पांच किंगडम से हर एक की हमने खासियतों को डिस्कस किए, किंगडम में नैरा में कौन सी खासियत रखने वाले जानदार शामिल हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन सी खासियत रखने वाले जानदार शामिल हैं, और फिर किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन सी खासियत रखने वाले जानदार शामिल। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को आपने किस तरह याद करना है, किस तरह लिखना है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की आपने हिस्ट्री याद रखनी है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ईच आइटम का क्या किरदार है वो आप कॉपी में आपने लिखोगे, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस कराया था, रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस कराया था, एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या है। दो बेसिस रॉबर्ट विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में दो ही बेसिस को डिस्कस किया गया है, जेनेटिक्स वाली बेस बाद में मार्गोरस और शॉर्टन के काम में आएगी। तो पहली दो बेसिस आपकी बुक में डिस्कस की गई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मॉड ऑफ न्यूट्रिशन को आपने लिखना है, उसके बाद मार्गोरस और शॉर्टन्स का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर किरदार लिखें, राइट द रोल ऑफ मार्गोरस एंड शॉर्टन इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उस इस क्वेश्चन को आपने याद करना है और लिखना भी है कॉपी में। उसके बाद याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा आपकी कॉपी पर, हर एक किंगडम की आपने खसूसियात लिखनी है, तो खसूसियात आपने इस तरह ही आपने बना के लिखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और किंगडम मुनैरा है, उसमें आपने छोटी छोटी पॉइंट्स के सूरत में ही हर एक की कैरेक्टरिस्टिक को बयान करना है, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक आपने कॉपी में इस तरह ब्लॉक्स बना के लिखनी भी है और उसके साथ साथ याद भी करनी है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।